बताती है। सो इन आवर नेक्स्ट स्लाइड हियर इज अनदर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन दैट व्हाई वी नीड इन्फॉर्म सर्च। सो इफ यू नो अबाउट दी बैकग्राउंड ऑफ एनी टॉपिक देन यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड एनी टॉपिक इन डिटेल इन डेप्थ। सो अगर हमें इसकी बैकएंड मोटिवेशन का पता चल जाए तो हमारे लिए बहुत अच्छा होता है किसी टॉपिक को अंडरस्टैंड करना। सो हमारे लिए आसान भी हो जाता है उसको अंडरस्टैंड करना। सो जस्ट लुक एट दिस क्वेश्चन दैट इफ अ ट्री हैविंग ब्रांचिंग फैक्टर 10 एंड द डेप्थ इज 100 सो द टोटल नंबर ऑफ नोड्स विल बी ऑलमोस्ट इक्वल टू 10 रेज टू पावर 100। सो द क्वेश्चन इज दैट हाउ मच टाइम एंड मेमोरी इज रिक्वायर्ड टू सॉल्व दिस ट्री टू प्रोसेस टू ट्रैवर्स दिस ट्री by using an uninformed search. So this is an important question. So just इसको देखें कि इस तरह का ट्री आप सोच रहे होंगे कि आता है कि नहीं आता है। तो इट्स पॉसिबल कि इस तरह के ट्री हमारे पास आए। तो इस तरह के ट्रीज हमारे पास जो है वो चेस चेस की एक एग्जाम्पल देख लें तो वो हमारे पास इस तरह का एक ट्री जनरेट होगा। तो हम गेम ट्रीज के अंदर उसको हम इस तरह के जो है वो बनाएंगे भी कि इस तरह के जो है वो ऐसे ट्रीज जिनके नंबर ऑफ नोड्स जो है वो काफ़ी ज़्यादा होते हैं। सो हाउ मच टाइम एंड मेमोरी विल बी रिक्वायर्ड टू सॉल्व आर टू सॉल्व टू ट्रैवर्स दिस ट्री। सो जस्ट लुक एट दिस प्रॉब्लम। आप क्या करें कि मैं कहूँगा कि आप वीडियो को पॉज करें और ज़रा सोचें इसके ऊपर कि कितना टाइम लगेगा आपको या किसी भी प्रोसेसर को किसी मशीन को। सो एपिक प्रोसेसर द इंटेल कोर i7 व्हाट इज द बेस फ्रीक्वेंसी। यू कैन चेक दिस वैल्यू फ्रॉम गूगल। तो बेसिक बेस फ्रीक्वेंसी इसकी फ्रीक्वेंसी नॉर्मली द कोर i7 प्रोसेसर कैन ऑपरेट एट फ्रीक्वेंसीज बिटवीन 1.5 GHz एंड 3.2 GHz बट विद टर्बो बूस्ट इनेबल्ड सो दी फ्रीक्वेंसी विल बी 3.3 GHz एंड देन 3.4 GHz। सो जस्ट आई पिक दी हाईएस्ट वैल्यू। मैं अज्यूम करता हूँ कि मेरे पास एक ऐसा प्रोसेसर है जिसकी फ्रीक्वेंसी जो है वो 3.4 GHz है। सो जस्ट लुक एट दिस दी इन 1 सेकेंड दी बेस फ्रीक्वेंसी इट मीन्स के देर आर 3.4 GHz। हर्ट्ज मीन साइकिल। सो मेरे पास इतने साइकिल्स हैं। 1 GHz इज ऑलमोस्ट इज इक्वल टू 10^9। सो मेरे पास इतने साइकिल्स हैं विच इज ऑलमोस्ट इक्वल एन टू 2^31। तो जस्ट लुक एट दिस स्लाइड। सो दी 2^30 इज इक्वल टू दिस वैल्यू 2^31। जस्ट लुक एट दिस। सो आई पिक दी अपर वैल्यू। तो अपर क्यों ले रहा हूँ कि हम मैक्सिमम कर लेते हैं। चलें यार इससे इतना ज़्यादा हम कर लेते हैं तो देखते हैं कि कितना क्या करता है। तो जस्ट मैंने अपर वैल्यू पुट ली यहाँ पे 3.4 GHz। तो क्योंकि इसके साथ 3.4 ने मल्टीप्लाई भी होना है तो जस्ट मैं इसको 10^9 को मैं 2^31 के ऑलमोस्ट इक्वलेंट कर लेता हूँ। सो इफ दिस प्रोसेसर ट्रैवर्स वन नोड इन 1 साइकिल सो इन 1 सेकेंड दिस प्रोसेसर विल ट्रैवर्स 2^31 नोड्स बट वी हैव 10^100 नोड्स। सो जस्ट लुक एट दिस प्रॉब्लम। सो हम क्या करते हैं हम देख लेते हैं इसको कि इन 1 मिनट दिस प्रोसेसर विल ट्रैवर्स द टोटल नंबर ऑफ साइकल्स इज 60 मल्टीप्लाई बाय 3^4 गीगाहर्ट्स। सो दिस प्रोसेसर विल ट्रेवल्स दे विल विजिट दे ऑलमोस्ट 2^31 नोड्स। सो इन द सेम वे दिस प्रोसेसर विल ट्रेवल्स हैव द टोटल नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी टोटल नंबर ऑफ दिस प्रोसेसर विल ट्रेवल्स द टोटल नंबर ऑफ नोड्स इज टू ऑलमोस्ट इक्वल टू 2^34 इन 1 आवर
एक घंटे के अंदर ही ऑलमोस्ट इतनी नोड्स को ट्रैवर्स करेगा। इन द सेम वे इन वन डे वी विल मल्टीप्लाई 24 एंड द टोटल नंबर ऑफ नोड्स ट्रैवर्स बाय दिस प्रोसेसर विल बी इक्वल टू ऑलमोस्ट इक्वल टू 2 raised to power 48। बट इन आवर प्रॉब्लम देर आर 10 raised to power 100 नोड्स। सो जस्ट इमेजिन दैट दी इंटेल कोर i7 जो है वो हमारे पास जो है वो इतने नोड्स को ट्रैवर्स करेगा, लेकिन हमारे पास जो है वो कितने नंबर ऑफ नोड्स हैं आप उसको देख सकते हैं। सो इन वन ईयर वी जस्ट मल्टीप्लाई बाय मल्टीप्लाई दी दिस वैल्यू विद 2 raised to power 65, क्योंकि हमारे पास जो है वो तीन हमारे पास जो है वो हमारे पास जस्ट 365 days हमारे पास एक साल के अंदर होते हैं। तो जस्ट मैंने इसको 35, लेकिन मैंने यहाँ पे 2 raised to power 9 ले रहा हूँ, और चूँकि मेरे पास जो वो क्या है 512, मैंने हाईएस्ट वैल्यू पिक की है। सो जस्ट टू कैट दिस दैट द इंटेल कोर i7 विल ट्रेवर्स ऑलमोस्ट 2 raised to power 57 नोड्स इन वन ईयर, बट वी हैव 10 raised to power 100 नोड्स। तो हम क्या करते हैं कि इनफॉर्म सर्च अगर हम यूज करते हैं तो ये हमारे पास टोटल नंबर ऑफ नोड्स ही हम एक साल के अंदर ट्रेवर्स नहीं कर सकते व्हेन वी हैव द हाईएस्ट नंबर ऑफ नोड्स। सो वी तो हम क्या करते हैं, हम हमेशा मूव कर जाते हैं इनफॉर्म सर्च टेक्निक की तरफ जब हमारे पास जो है वो ट्री जो है वो लेंथी आ जाता है, बड़ा आ जाता है। सो जस्ट लुक एट दिस डायग्राम। सो दिस इज द फिगर 3.13 इन योर बुक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अ मॉडर्न अप्रोच। सो इफ अ ट्री हैविंग अ डेप्थ 2 द टोटल नंबर ऑफ नोड्स विल इफ अ ट्री हैविंग डेप्थ 2 एंड द नोड्स 1 1 10, सो इट जो हमें टाइम लगेगा वो कितना कितना चाहिए वो हमें पॉइंट 0.11 मिली सेकेंड्स। सो इन द सेम वे ये हमारे पास एक प्रोसेसर की उसने एग्जाम्पल ली है। तो अगर डेप्थ हमारे पास क्या है कि 16 तक चला जाए, 10 raised to power 16 हमारे पास आ जाए, तो इस तरह की प्रॉब्लम को सॉल्व करने में जस्ट लुक एट दिस एग्जाम्पल। सो द प्रोसेसर जो कि इस बुक के अंदर मेंशन है वो हमारे पास क्या है 365 ईयर्स इसको लग जाएंगे, लेकिन ये इसको सॉल्व ये इस तरह के ट्री को सॉल्व करने के लिए। सो बट इट रिक्वायर्स द मेमोरी, हमारे पास जो है वो इतनी मेमोरी 99 पीटाबाइट, द 10 एक्साबाइट, ये इतनी मेमोरी चाहिए इस तरह के ट्री को सॉल्व करने के लिए। सो वी मस्ट मूव टूवर्ड्स इनफॉर्म सर्च इफ द नंबर ऑफ नोड्स आर लार्जर आर ग्रेटर। So this is the main crucial point that why we are moving towards the informed search techniques. So I hope you understand the drawback of these search techniques or the drawbacks of uninformed search techniques. So it requires too much time as well as the memory टू सॉल्व दी ट्री। सो क्या रीज़न क्या है कि क्यों ये इस तरह का मसला इसके अंदर आया, दैट द रीज़न इज दैट द अनइनफॉर्म सर्च टेक्निक्स ऑलवेज ट्राई टू एक्सप्लोर ईच नोड विदाउट कंसिडरिंग दैट द लोकेशन एंड द डायरेक्शन ऑफ द कोर। सो इन आवर इनफॉर्म सर्च टेक्निक्स वी विल नॉट द फोकस ऑफ दिस सर्च टेक्निक्स focus of these search techniques is not to explore each node to find the goal state. So instead of finding instead of traversing each node ye kya karti hai ki ye us goal ki direction ke upar focus karti hai ki kis direction ki taraf hamare paas jo hai wo goal ho sakta hai. So there are two different types of informed search, the greedy best first search, A star search. We will cover both of these search techniques during our course. So वो value जो है वो क्या है कि वो
करके हमें किस डायरेक्शन की तरफ जाना है, बजाय इसके कि हम हर नोड को एक्सप्लोर करें। सो द वैल्यू इज हेरिस्टिक। सो दिस वैल्यू विल गाइड अस अबाउट द डायरेक्शन एंड द लोकेशन ऑफ द गोल। सो व्हाट इज द हेरिस्टिक? हेरिस्टिक इज द इनफॉर्म्ड गेस अबाउट आवर गोल। सो वेयर इज द गोल? व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ द गोल? एंड हाउ मच द डिस्टेंस विल बी will require to move from any state to goal. So that will be the heuristic value कि हम उसको guess ले लेते हैं कि एक location से किस location की तरफ हमने जाना है, उसकी guess value कितनी हो सकती है। तो इस तरह से हम क्या करते हैं, बजाय इसके कि हम हर node को explore करें, we should focus on the direction and the location of our goal. So there are two types of heuristic. We will discuss the importance of these types during our A-star search techniques. So the admissible heuristic and another type of heuristic is non-admissible. So just look at this example. For example, the actual distance between point A to point B is 100 kilometer. If anyone told us that the 95 kilometer between these two points, then this guess is admissible. And if anyone told us that the distance between these two points is 101 kilometer, then this 101 value will be non-admissible heuristic. So how can we get the heuristic value? We can get the this value from any experienced person. For example, if we are moving from one city to another city, we can ask any person जो कि हमारे पास क्या है कि बहुत ज़्यादा ट्रैवलिंग करता है, हम उससे पूछ सकते हैं। इन द सेम वे वी कैन गेस दिस वैल्यू फ्रॉम आवर प्रीवियस एक्सपीरियंस। सो ये हम इस तरह से कुछ चीज़ें इसको यूज़ कर सकते हैं, यूज़ करते हैं, हम वैल्यू को गेट कर सकते हैं एक्सपीरियंस पर्सन के थ्रू। सो जस्ट हेयर इज सम एग्जांपल्स ऑफ द यूज ऑफ हेरिस्टिक वैल्यू। कार मैकेनिक ऑलवेज यूज हेरिस्टिक ड्यूरिंग रिपेयरिंग। इफ वी आर इफ वी गो टूवर्ड्स द एनी कार मैकेनिक, सो वो क्या करता है कि इफ देर इज एनी फॉल्ट इन आवर कार, सो वो जस्ट इंजन को स्टार्ट करता है और ट्राई करता है कि फॉल्ट को डिटेक्ट करने की कहाँ पे डिटेक्ट कहाँ पे जो है वो फॉल्ट अकर हुआ है। तो बजाय इसके कि वो पूरी गाड़ी को एक्सप्लोर कर दे, जैसे कि अनइनफॉर्म सर्च हमारे पास करती है कि पूरी सर्च स्पेस को ही एक्सप्लोर करना शुरू कर देती है। इन द सेम वे डॉक्टर प्रिस्क्राइब देयर पेशेंट्स यूजिंग इनफॉर्म्ड गेस। तो ये भी हमारे पास क्या है कि बजाय इसके कि वो हर बॉडी के हर पार्ट को क्या कर दे, वो जाके देखना शुरू कर दे, तो क्या करते हैं वो हमारे पास गेस लेते हैं कि ये इस तरह के पेशेंट्स आते हैं तो उसको क्या होता है, क्या क्या पॉसिबल चीज़ें हो सकती हैं। सो दे जस्ट यूज इनफॉर्म्ड गेस आर ह्यूरिस्टिक वैल्यू टू सॉल्व देयर प्रॉब्लम्स, टू सॉल्व देयर टू रीच देयर गोल्स। सो ये क्या करते हैं, हमारे पास ह्यूरिस्टिक को यूज़ करते हैं। तो जस्ट ये हमारे पास क्या है, प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स कुछ हमने देखी। अब सो इन आवर दिस वीडियो और इन टूडेज लेक्चर वी कवर सम ऑफ दीज क्वेश्चंस दैट व्हाई वी नीड सर्च टेक्निक्स टू सॉल्व अ प्रॉब्लम एंड व्हाई वी नीड इनफॉर्म सर्च टेक्निक्स और द इम्पोर्टेंस ऑफ द इनफॉर्म सर्च टेक्निक्स आर यू कैन से दैट the disadvantage of uninformed search techniques. We also discuss the names of some informed search techniques, which are the greedy best search and the A star search. And the, finally, we discussed about the concept of heuristic. Heuristic is any informed guess about our goals.
So there are two different types of heuristic, admissible and non-admissible. So हमने आज के दिन ये टॉपिक्स कवर किए हैं. सो इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन यू कैन सेंड मी एन ईमेल, इंशाल्लाह आई विल आंसर योर क्वेश्चन. थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. अल्लाह हाफिज़.